अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। अगली खबर राजधानी भोपाल से। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह विधायकों की बैठक लेंगे, तो एक महत्वपूर्ण बैठक कह सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार डॉक्टर गोविंद सिंह बैठक लेने वाले हैं। विधानसभा सत्र और स्थानीय मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार डॉक्टर गोविंद सिंह विधायकों की बैठक लेने जा रहे हैं। विधानसभा सत्र और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा होगी और इस बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो लगातार कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है और इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी विधायकों की एक बैठक लेने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार उनकी ये बैठक है। विधानसभा सत्र और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी इसमें मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विवेक जी का। विवेक जी, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह पहली बार बैठक लेने जा रहे हैं, कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा, क्या कुछ मुद्दे इसमें रहेंगे? देखिए, हाल ही में नियुक्त हुए कांग्रेस के नए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर गोविंद सिंह अब एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। गोविंद सिंह की मंशा है कि विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को किन मुद्दों पर घेरा जा सके, विधायकों को किस तरीके से विधानसभा सत्र के दौरान अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। काफी सीनियर लीडर हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं, तो ऐसे में जो विधानसभा की परंपरा है, नियम है और जो गाइडलाइन, उनका विधायक किस तरीके से पालन कर सके और सरकार को घेरने की कैसी तैयारी रहे, इस मुद्दे पर पहली बैठक गोविंद सिंह करने जा रहे हैं। और इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ मौजूद रहेंगे और इसके अलावा जो कांग्रेस के अन्य बड़े नेता हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि कांग्रेस ने हाल ही में बीते दिनों बैठक की थी, ये बैठक अभी रणनीति को लेकर थी और कांग्रेस पूरी तरीके से रोड मैप तैयार कर चुकी है। हालांकि इस रोड मैप में कैसा कार्यक्रम रहने वाला है, कैसे जनता के बीच में जो है वो कांग्रेस जाएगी, इन तमाम विषयों का भी फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। कांग्रेस अपनी रणनीति को लेकर इस बार काफी संजीदा है और बीजेपी की प्लानिंग से पहले खुद को इतना मजबूत करना चाहती है कि जो कार्यकर्ता और जमीनी स्तर के जो नेता है उनके साथ समन्वय बनाया जा सके। कांग्रेस में जो अंतर है कि हमेशा एक बात चलती है, उसे भी फिलहाल सुलझा लिया गया है और जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है उसको खत्म करने के लिए एक बैठक है। और इस बैठक में विधायकों के साथ विधायकों के स्थानीय स्तर पर क्षेत्रों में क्या समस्याएं हैं, जनता किस बात को लेके सरकार से नाराज है और विपक्ष से क्या मांग करती है, वह इन तमाम बिंदुओं को लेकर जो है वो कांग्रेस की बैठक होगी। और खास बात यह है कि कमलनाथ के नेतृत्व में बैठक रहेगी। जैसा कि एक कांग्रेस की ये भी एक बात कही जाती है कि नेता प्रतिपक्ष जरूर गोविंद सिंह को बनाया गया है, लेकिन पूरी तरीके से कमान जो है वो कमलनाथ के हाथ की है। हालांकि कमलनाथ विधानसभा की कार्रवाई में ज्यादा समय तक उपस्थित नहीं रहते थे, एक आरोप विपक्ष की ओर से यह भी लगा था, इसीलिए संसदीय कार्यों को लेकर गोविंद सिंह की यह बैठक रहेगी। और स्थानीय स्तर पे किस तरीके से नेताओं के बीच में कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाया जा सके, स्थानीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है अब सड़कों पे उतरेगी। बिजली की समस्याएं हैं, किसानों तमाम सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर कांग्रेस जो है सड़कों पर उतरने की तैयारी भी कर रही है। ये बात भी स्पष्ट हो चुकी है पहले भी कि अब जो है स्थानीय मुद्दों को लेकर, कई सारे महंगाई, बेरोजगारी जिनको लेकर कांग्रेस रणनीति बना रही है सड़क पर उतरने की, सरकार को घेरने की। विवेक जी बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। बिल्कुल, डॉक्टर गोविंद सिंह विधायकों की बैठक आज लेने वाले हैं, महत्वपूर्ण बैठक। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे।